5/8/23 की संध्या को करीब 5 बजे बिथान थाना अंतर्गत ऐसा बताया गया कि सिरसिया ढाला पे जो है एक लड़की वो बेहोश अवस्था में पड़ी हुई है। तो फौरन ही उसको जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा गया, जहां से कि उनको समस्तीपुर सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। उनकी माता पिता से भी संपर्क किया गया, उनके द्वारा बताया गया कि उनकी जो पुत्री है वो करीब 10-11 बजे के आसपास घर से बैंक जाने की बात करके निकली थी। फिर उसके बाद चूंकि वो किसी मादक पदार्थ के इन्फ्लुएंस में थी, जब होश में आई, जो पीड़िता है होश में आई, उनका भी बयान लिया गया। उन्होंने अपने बयान में बताया कि दो व्यक्ति नीतीश कुमार और शिवा कुमार से उनकी करीब घटना के 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी। चूंकि शिवा कुमार जो है वो ऑटो चालक है, ऑटो में आने जाने क्रम में मुलाकात हुई थी। घटना के दिन ये अपनी सहेली के साथ बैंक गई थी, बैंक से फिर ब्लॉक गई, वहीं पे इनको नीतीश और शिवा मिले। उन दोनों ने साथ में लिफ्ट देने की बात कही, लिफ्ट लेकर के ये आगे बढ़ी थी अपने घर जाने के लिए कि वो वहां से इन लोगों को लेकर के कुआं ग्राम की तरफ जाने लगे। इनके द्वारा कहा गया कि हमें तो अपने घर जाना था, कुआं ग्राम क्यों लेके जा रहे हैं। तो आगे जाकर के जोर जबरदस्ती करके इनके द्वारा बताया गया कि इनको कुछ मादक द्रव्य था वो पिलाया गया, जिसके बाद ये मूर्छित होने लगी। तो इनकी सहेली जो थी वो इसको देख करके, इस चीज को देख करके वहां से किसी तरह भाग गई, और इनके साथ इनके द्वारा बताया गया कि कुछ गलत हरकत की गई है। इनका वृहद जो है मेडिकल जांच करवाया गया, जो प्राथमिक जांच हुई, शरीर में किसी प्रकार का जख्म नहीं पाया गया, लेकिन इनके बयान के आधार पे और जो सारे इसमें जो साक्ष्य थे जो मिल रहे थे उसके आधार पे जो चिन्हित करके इसमें दोनों ही अभियुक्त नीतीश कुमार और शिवा कुमार को जो है तत्काल SIT के द्वारा, जो पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बनाई गई थी मामले की गंभीरता को देखते हुए, उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया। ऑटो से ये घटना कारित करने के लिए ले गए थे, उस ऑटो को भी बरामद किया गया है। पीड़िता के द्वारा स्पष्ट रूप से दोनों ही अभियुक्तों की पहचान की गई। 2 दिन पहले मुलाकात होने की बात इसमें बताई गई है कि 2 दिन पहले से जो पीड़िता है उनकी मुलाकात हुई थी, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर का भी आदान प्रदान हुआ था और बातचीत भी होती थी।